नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम दही बड़े, पने बड़े, सांभर बड़े, कई तरह से बड़े बनाते हैं, पर हम आज रस बड़े बनाएंगे जो कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मेरी अपनी इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इस आधा लीटर दूध को हम इतना पकाएंगे कि एक पाव हो जाएगा। और 50 ग्राम शक्कर लिया है, 100 ग्राम उड़द की दाल, 4 घंटे पहले भिगो दिया था, इसे धुलकर साफ कर लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश लिया है, थोड़ा सा पिस्ता लिया है, थोड़ा सा चिरौंजी दाना लिया है, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट्स हम अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अब हम भीगी हुई उड़द दाल को मिक्सर जार में पीस लेते हैं और अब हम गैस जलाकर दूध भी चढ़ा देते हैं। इस दूध को हम बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे, ये दूध हमारा बिल्कुल औट जाए, आधा हो जाए। जब तक दूध हमारा गर्म होता है तब तक हम इन ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। काजू को हम एक काजू में से लगभग 4 पीस छोटे छोटे काट लेंगे। पिस्ते को भी हम इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े काटेंगे और बादाम को भी इस तरह से पतले पतले टुकड़े हम कर लेंगे, लंबे लंबे। ये देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिया है, दूध भी मेरा बिल्कुल औट चुका है। अब इसे हम शक्कर डाल देते हैं। मैंने शक्कर डाल दिया है, अभी हम दूध को चलाते रहेंगे। इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं। अब दूध हमारा पकते पकते आधा हो चुका है, अभी हमें और पकाना है। चिरौंजी दाना भी डाल देते हैं। दूध को हमें चला चला कर औट देना है, आधा लीटर का एक पाव दूध कर देना है। दूध हमारा औट चुका है, आधा लीटर का लगभग एक पाव बचा है। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और लाल लाल सा हो गया है। अब हम पिसी हुई दाल फेंटेंगे, इसमें हम इलायची पाउडर डाल लेते हैं, कटे हुए आधे काजू हम इसमें डाल देते हैं और आधे काजू हम दूध में डाल देते हैं। अब हम पिसी हुई दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। हम इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। ध्यान रहे हमें बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, केवल एक चुटकी, इतना सा। और ज़रूरत के हिसाब से हम 2-3 चम्मच पानी डाल लेते हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। अब इसे अच्छे से फेंटेंगे। हमें मीडियम का घोल बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है, बहुत गाढ़ा नहीं करना है। अब हम गैस जलाकर पैन चढ़ा देते हैं और लगभग एक बड़ा चम्मच हमने मूंगफली का तेल डाला है। हाथ साफ करके अब हम हाथ से इसे दाल के पेस्ट को फेंटेंगे और छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट बड़े हमारे बन जाएंगे। हमें छोटे छोटे बड़े बनाने हैं। इस तरह से दाल बहुत अच्छी सी फेंट गई है और इसका घोल बिल्कुल अच्छे रेशियो में है। देखिए, तुरंत पकौड़ियाँ फूल रही हैं। इस तरह से हमें उलट पलट कर ब्राउन ब्राउन सी पकौड़ियाँ बना लेनी है। पकौड़ियाँ डालते समय हमें गैस की फ्लेम को तेज रखना है और जब डाल देते हैं उसके बाद हमें स्लो कर लेना है ताकि पकौड़ियाँ अंदर तक अच्छे से ब्राउन ब्राउन सी पक जाएं। देखिए, इस तरह से फटाफट हमें चलाकर फ्राई कर लेना है। पकौड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम प्रोसीजर से हम बाकी बची हुई पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं। इस तरह से इसे भी उलट पलट कर ब्राउन ब्राउन सी फ्राई कर लेते हैं। दूध भी हमारा तैयार है, उधर बिल्कुल लाल लाल सा गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी जैसा दूध बनकर तैयार हो गया है। पकौड़ियाँ भी ब्राउन हो चुकी हैं, इसे अब हम
प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा ये दूध औटा हुआ है, देखिए लाल लाल सा। इसमें हम सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे डालकर। और अब इसमें हम बादाम के कतरे हुए डाल देते हैं, पिस्ते डाल देते हैं, और इसे आधा घंटे के लिए हमने ढक दिया था। आधा घंटे बाद अब हम खोल रहे हैं इसे। देखिए क्या अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत टेस्टी बनता है ये, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट रस बड़े बने हैं, ये बड़े जो ये गाढ़ा गाढ़ा हमारा रबड़ी जैसा दूध है, ये पूरा सोख लेते हैं ये बड़े। देखिए इस तरह से आप भी रस बड़े बनाइए। मेरी अपनी ये रेसिपी यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।